अस्सलामुअलैकुम जी गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर के बारे में। जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पर जो है वो एस्फाल्ट का काम जारी है और पहली लेयर जो है एस्फाल्ट की वो डल चुकी थी, लेकिन अब इस साइड पर मेरे पीछे जो है वो एस्फाल्ट की सेकेंड लेयर का काम जारी है। तो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में जो है वो मज़ीद इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आगे हम चलते हैं कि आगे हमारे जो जॉइंट्स का काम है इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर के हवाले से, वहाँ पे क्या काम जारी है। इंशाल्लाह इस वीडियो में आगे जाकर आपसे इंशाल्लाह बात करते हैं। आइए आगे जाते हैं। तो जी गाइस, अभी आप देख सकते हैं कि मेरे सामने आप ये हमारा यहाँ से जो है वो हमारा जो फ्लाईओवर का रैंप है वो ख़त्म होता है। ये हमारा पहला जॉइंट है, मींस के कालम के ऊपर आप देखेंगे ये हमारा पहला जॉइंट आ रहा है। यहाँ से हमारा जो है वो फ्लाईओवर की जो छत है, फ्लाईओवर का जो लंटल है, वो यहाँ से जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। तो अभी इंशाल्लाह आगे चलकर मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बता दूँ कि आगे हमारे फ्लाईओवर के क्या हालात हैं। तो सामने अगर आप अभी आप देखेंगे ये यहाँ से हमारी जो है वो एस्फाल्ट की लेयर मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पे हमारी दो लेयर्स डल चुकी हैं और पीछे भी सारा अगर आप देखेंगे सारे के ऊपर दो दो लेयर्स यहाँ पर डल चुकी हैं। और उसके अलावा मैं आपको फ्लाईओवर के नीचे के हालात दिखाता हूँ कि नीचे के क्या हालात हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे मेरे नीचे ये जगह अगर अभी आप देखेंगे नीचे जो है वो सामने ड्रेन का काम जारी है, वहाँ पे भी जो है वो ड्रेन का काम जारी है। इनका आलमोस्ट नीचे वाला काम जो है वो आलमोस्ट ड्रेन का रह चुका है और रोड्स का रह चुका है। अभी फ़िलहाल फुल ऑफ फोकस जो है वो फ्लाईओवर के ऊपर है, क्योंकि सीएम साहब के आर्डर हैं कि 5 फरवरी से पहले पहले इसका जो है वो इफ्तिताह किया जाए और 5 तारीख इनके लिए फ़ाइनल है। 5 से अगर पहले इफ्तिताह नहीं होता तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि 5 तारीख को जो है वो जिस दिन कश्मीर डे होता है हमारा, तो वहाँ पर जो है वो उस दिन इसका जो है वो कम्प्लीटली तौर पर जो है वो इफ्तिताह कर दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फ्लाईओवर के ऊपर वाले हिस्से का। नीचे जो है वो नीचे भी काम इसका जारी रहेगा। फ्लाईओवर का जब ऊपर वाला सारा हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद नीचे का जो काम है, नीचे रोड्स हैं और ग्रीनरी वगैरह कुछ होगी और जो फ्लाईओवर के नीचे वाला सारे एरिया देखो वहाँ पर क्या करते हैं। तो उसके अलावा अगर आप अभी हम फ्लाईओवर के ऊपर के वाले से बात करेंगे, ऊपर कौन कौन सा काम रह गया है, ऊपर अगर आप देखेंगे हमारे जितने जॉइंट्स हैं तमाम के तमाम जॉइंट्स यहाँ पर जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। जॉइंट्स ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, जब इनके दो स्पैन यानी कि एक कॉलम के ऊपर एक गटर का एक हिस्सा आएगा, दूसरे के ऊपर दूसरा हिस्सा आएगा, उसको हम एक स्पैन कहते हैं। तो स्पैन को आपस में मिलाने के लिए जो है वो जॉइंट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा वो जॉइंट्स का काम मुकम्मल आलमोस्ट हो चुका है। ये भी हिस्सा क्लियर है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि हमारे भी जॉइंट्स काफ़ी रहते हैं। तो अभी लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो है हमारे तमाम के तमाम जॉइंट्स जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो बाकी अगर हम देखते हैं आगे कि क्या हालात हैं, सामने जो है वो काफ़ी ज़्यादा बंदे जो है वो वर्किंग कर रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या वर्किंग हो रही है। और उसके अलावा फ्लाईओवर के ऊपर एक वाले से बात करें तो हमारे जो लाइट्स के पोल्स आने हैं, जो लाइट्स इसके ऊपर लगनी है उसका भी अभी काम होने वाला है। उसके अलावा जो सेंटर वाला एरिया है, सेंटर क्योंकि हमारा ये 8 लाइन्स का ब्रिज है जैसे आपको पहले भी पता है, तो 4 लाइन्स होंगी आने के लिए और 4 लाइन्स होगी जाने के लिए। तो सेंटर में जो हमारी एक आएगी दोनों को जो है वो इनके जिससे दोनों की पार्टीशन होगी, तो यहाँ पर जो है वो सेंटर में इसकी पार्टीशन के लिए एक कह लें कि कंक्रीट की वाल बनाई जाएगी। वो अभी देखते हैं कब बनाई जाएगी। यहाँ पर ये देखें आप निशान लगा दिए हैं, ये देखें आप निशान यहाँ पे लग चुके हैं। तो यहाँ पर जो है वो दोनों रोड्स की जो पार्टीशन के लिए यहाँ पर कंक्रीट की एक वाल बनेगी। अब वो देखें बनी बनाई लेकर आते हैं यहाँ पर या इसके ऊपर अलहदा से बनाते हैं, वो देखते हैं हम क्या करते हैं। तो यानी कि 5 फरवरी से पहले पहले ये भी काम एक मुकम्मल होना है। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो लाइट्स के पोल्स लगने हैं सामने, अगर आप देखेंगे वो यहाँ पर यानी कि इन हिस्सों में लाइट्स के जो है वो पोल्स आएंगे। तो बाकी उसके अलावा लाइट्स का काम रह गया है, जो हमारी जहाँ से हमारा जो है शाहदरा वाली साइड से फ्लाईओवर स्टार्ट होता है वहाँ पर अगर हम देखेंगे वहाँ पर हमारा जो है वो कुछ जो हमारी पर्दी है वो रह चुकी है, बाकी ऑलमोस्ट यहाँ पे काम जो है वो डन हो चुका है। जॉइंट्स ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे तमाम के तमाम क्लियर हैं और उसके बाद कह लें कि हमारा जो कंक्रीट की वॉल्स हैं उनका काम कुछ रहता है और बाकी जो हमारा पीछे यानी कि कह लें कि जो दोनों की जो पार्टीशन होगी रोड्स की, 4 लाइन्स का रोड एक साइड पे आएगा, 4 लाइन का रोड जो है वो एक साइड पे आएगा, तो उनकी पार्टीशन के लिए जो है यहाँ पे जो है वो सेंटर में जो है वो यहाँ पे कंक्रीट की वॉल बनाई जाएगी। उसके अलावा अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो है वो सामने कुछ काम किया जा रहा है, यहाँ पर भी जॉइंट्स के हवाले से ही काम किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये काम हमारा 5 फरवरी से पहले पहले तमाम का तमाम जो काम है हमारा वो कम्प्लीट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप सामने देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो अभी एस्फाल्ट की एक और लेयर यहाँ पे डाली जा रही है सामने,
ये फ्लाई ओवर के ऊपर का हिस्सा है और यहाँ पर जो है वो एसफाल्ट की एक और लेयर यहाँ पे डाली जा रही है। उसके अलावा अगर हम नीचे के आपको हालात दिखाएं, नीचे के ये मंजर है, यहाँ पर नीचे बस यान के कहने के साइडों पे जो है वो ड्रेन का काम रहने वाला है और उसके बाद नीचे जो है वो हमारे रोड्स का काम जो है वो बाकी रह चुका है। बाकी इंशाल्लाह हमारा आलमोस्ट तमाम का तमाम काम हमारा जो है वो यहाँ पर डन हो चुका है। सामने अगर आप देखेंगे ये हिस्सा, सामने जो है वो एसफाल का काम जारी है। वो भाई अभी आए थे मेरे सामने, उनका थे इनके हमारे जो हैं वो ऑफिसर्स वगैरह वो बैठे हुए हैं, तो आप काइंडली आगे नहीं जा सकते, तो मैंने फिर कहा चलो ठीक है मैं यहाँ तक जो है वो वीडियो बना लेता हूँ। तो सामने मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर जो है वो सारा हमारा जो है वो एसफाल का काम जारी है। तो इंशाल्लाह बाकी अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। तो अभी आप इजाज़त दीजिए हमें, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेंथी हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।